खबर दतिया से आ रही है, जहां दतिया पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने दतिया ग्रीन जोन में आने पर दतिया वासियों को धन्यवाद दिया। लॉकडाउन के तीसरे चरण लगने पर दतिया वासियों से अपील की है, देखिए पूरी खबर। सभी दतिया वासियों को मेरा नमस्कार। पहले तो मैं हृदय की गहराई से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। लॉकडाउन के दो चरणों में आप सभी सहयोग और स्व अनुशासन की एक मिसाल कायम की है। इसी का ये परिणाम है कि हमारा दतिया जिला अब तक ग्रीन जोन में है और यहाँ कोरोना का एक भी केस नहीं है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लॉकडाउन 3 जो है तृतीय चरण में, उसको 17 मई तक के लिए बढ़ाया गया है। इसी को देखते हुए कुछ छूट भी दी गई है, क्योंकि हमारा जिला ग्रीन जोन में है। सुबह 7 से 2 बजे तक के लिए जो दुकानें हैं उनको लेकर के छूट दी गई है। विस्तृत निर्देश अब तक आप लोगों तक पहुंच गए होंगे। इसमें मेरा एक बिंदु है, आप सभी से निवेदन है, अपील है कि बिल्कुल भी लापरवाही बरतने का ये समय नहीं है। जो छूट दी गई है उसमें कुछ विशेष सावधानियाँ आप लोग बरतें। जब आप लोग बाहर निकलते हैं तो आवश्यक रूप से मास्क का प्रयोग करें। सोशल डिस्टेंसिंग की बात जो आरंभ से की जा रही है उसको लगातार मेंटेन करें। और तीसरा, जो 65 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं, 10 वर्ष से छोटे बच्चे हैं और गर्भवती महिलाएं हैं, उनको अपना विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। वो लोग घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। जो छूट दी गई है वो इसलिए दी गई है कि सबका जीवन यापन सुचारू रूप से चल सके। मेरा पुनः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि छूट का बिल्कुल गलत प्रयोग ना करें और जो अनुशासन आप लोगों ने मेंटेन किया उसे आगे भी मेंटेन करें। पूरा प्रशासन, पुलिस, मीडिया, मेडिकल डिपार्टमेंट और पूरा प्रशासनिक अमला और समाजसेवी संगठन और आप सभी लोग, हम सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि हमारा जिला ग्रीन ही जोन में बना रहेगा और इस कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है, हम सभी लोग उससे विजयी होकर के निकलेंगे। जय हिंद।